everyone, I'm Richa. What is your body temperature? You will say 98.7 degrees Celsius. तो तुमने डिग्री तो यहीं पे सुना होगा ना? But नहीं, डिग्री का तो और भी यूज होता है. Yes, 12th pass, 10th pass, ये सारे भी डिग्री होते हैं. नहीं, बट हम इस वीडियो में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करने आ रहे हैं. एडजेक्टिव्स वी नो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप कंपेयर करोगे, उस वीडियो में मैंने ये देखा था, उस वीडियो का ये अच्छा था, उस पार्ट में ये, बट इस वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, तो हो जाएगा आई एम श्योर. तो इस वीडियो में मैं ये क्लियर करने वाली हूँ कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं, कैसे ईजिली कर सकते हो. ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो. उसको देखो, जैसे मैंने बोला हाई, हायर, हाईएस्ट. This building is a high building. ठीक है, next बोला this building is higher than that building. उस building से भी higher है. और third में बोला that is the highest building. ठीक है, तो मैंने compare किया, इसमें ये show हो रहा है कि ये building normal है, high है, positive degree है, first form positive high, second form higher, that is comparative degree, and third form highest जो होता है, third superlative, जो top most सबसे best या सबसे worst चीज़ हमें बताते हैं, उस superlative degree में आते हैं. तो तीन कौन कौन से हैं? Simple, positive degree which is absolute degree, second comparative degree, third superlative degree. तो तीन ही degree है adjectives के. बीच वाला जो row होगा उसमें आपको then use करना है, THAN, not THEN, बस ये याद रखो. थर्ड वाले में द लगाना है, ठीक है, द या दी दोनों लगा सकते हो. द और दी कहाँ कहाँ लगा दें ये भी मैंने एक बता रखा, वहाँ पे जाकर उसको डिटेल में नहीं जाऊँगी अभी, क्योंकि हमें अभी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स करनी. ठीक है, तो जो द लगाना है सुपरलेटिव, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट बॉय, यू आर द बेस्ट मैन, यू आर द बेस्ट गर्ल, तो द, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. गुड जो होता है फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री. बेटर कॉम्पेरेटिव डिग्री, बेस्ट. और ये जो लिस्ट होते हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म है बिगेस्ट. तो जनरली क्या होता है, ई आर और ई एस टी, जब लेकिन बच्चे लिस्ट देखते हैं तो फिर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है. और फिर देखोगे इस लिस्ट में क्या हो जाता है, हर जगह आपको ई और ई एस टी. इतनी लाइफ इजी नहीं है गाइज. तो क्या होता है कई बार होता है मोर, मोस्ट यूज हो जाता है कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव में. आप बोलोगे मोर और मोस्ट कहाँ पे होता है? देखो जैसे ब्यूटीफुल मैंने बोला है, तो ब्यूटीफुल में एक सिलेबल नहीं आ रहा, ब्यूटीफुल. अब सिलेबल इज व्हाट, जो प्रोनाउंस कहते हैं, जो साउंड करते हैं ना वर्ड का. जैसे रिच, रिचर, रिचेस्ट, रिच वर्ड मैंने एक ही फ्लो में बोल दिया, रिच बोल दिया. रिच को आप ब्रेक करके तो नहीं, अच्छा रिच को तुम ब्रेक करके तो नहीं बोल सकते ना, रिच, रिच. इसीलिए इसमें ई आर लग जाएगा और ई एस टी लग जाएगा. ऐसे वर्ड्स जहाँ पे हम ब्रेक नहीं करेंगे, एक ही सिंगल सिलेबल लो तो वहाँ पे हमें ई और ई एस टी लगाना है. ठीक है, ये तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो गया. आप कहीं पे भी जो तुक्का मारोगे तो देखना, बोल के देखना, वो तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा. लेकिन जहाँ पे जैसे इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट कितना सारा ब्रेक आ रहा है ना, तो इसमें आप बोलोगे मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, तो ये भी क्लियर. तो कितना सिंपल था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का फिलअप में कहाँ कहाँ. तो और बस ये याद रखना कि जो सेकंड फॉर्म में कंपेयर में आपको देन का यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ पे दो नाउन होंगे ऑलवेज, और जो सुपरलेटिव होंगे वो अमंग होंगे सब में से, द बेस्ट, द वर्स्ट, कुछ भी. तो इट आ, और इसका लिस्ट देख लो, ये बहुत ज़रूरी है. और सेंटेंसेस बनाओ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हर फॉर्म के. फर्स्ट फॉर्म तो ईजी रहे, यू आर अ टॉल बॉय, यू आर अ शॉर्ट बॉय, यू आर अ फैट बॉय, यू आर अ, तो कितने ईजिली आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, और सेकेंड फॉर्म में ई आर लगाना, यू आर टॉलर देन हिम, यू आर टॉलर देन रहीम, यू आर टॉलर देन
राम जो भी थर्ड में यू आर द टॉलेस्ट इन द क्लास यू आर द टॉलेस्ट इन अमंग योर फ्रेंड्स लाइक दिस तो यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस सिंपल. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, देखना नहीं और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना. न्यू आए तो मैं ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगी. अच्छा और एंड तक देख लो क्योंकि लिस्ट है, 5 मिनट देख लोगे तो तुम्हारे लिए बेस्ट. ओके लेट्स सी द वीडियो. नाउ ऑन स्क्रीन यू कैन सी पॉजिटिव कॉम्पैरेटिव सुपरलेटिव. ब्यूटिफुल मोर ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल बिग बिगर द बिगेस्ट ब्लैक ब्लैकर द ब्लैकेस्ट ब्राइट ब्राइटर द ब्राइटेस्ट क्लीन क्लीनर द क्लीनेस्ट क्लेवर क्लेवरर द क्लेवरेस्ट कन्फ्यूज्ड मोर कन्फ्यूज्ड द मोस्ट कन्फ्यूज्ड dirty dirtier the dirtiest in dirty y को हमें drop करना है ier लगाना है dirtiest में भी iest end में fascinating more fascinating the most fascinating famous more famous the most famous comparative में जब भी आप sentence बनाएंगे तो then का use करना है far far further ya farther the farthest and the furthest fat fatter the fattest remember fat mein double t aa jata hai jaise bigger mein double g aa gaya to fat mein fatter fattest kai baar aise hote hain jiske end mein jo spelling hote repeat hote kai baar drop ho jate hain to ye practice se hi aayegi jaise less lesser least ये भी different है. less positive में होता है, comparative में lesser होता है और superlative में least होता है. ठीक है. he has got the least marks in the class. तो ये आप screenshot ले सकते हो या लिख भी सकते हो. next आ जाते हैं हम और देख लेते हैं. late letter the latest old older the oldest poor poorer the poorest proud prouder the proudest quite quieter the quietest sharp sharper the sharpest short shorter the shortest slow slower the slowest small smaller the smallest strange stranger the strangest strong stronger the strongest tall taller the tallest thin thinner thinnest double n aa raha hai yahan pe ugly uglier ugliest again y ko hume drop karna hai aur ier laga dena hai ugliest weak weaker the weakest wise wiser wise wiser the wisest young younger the youngest to aapne ye dekha first pink wala जो रो है वो क्या है हमारा पॉजिटिव. सेकेंड ब्लू वन कॉम्पेरेटिव एंड थर्ड ग्रीन वन इज यस द सुपरलेटिव डिग्री. तो यही है बस. और इसके बहुत सारे आपको गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा, आपके ग्रामर के बुक में भी हो, एक बार रीड करोगे और कॉन्सेप्ट तो पता ही चल गया आपको. ईआर और ईएसटी कहाँ पे लगाते हैं, जो सिलेबल जो साउंड करते हैं ना जैसे लेटर के, तो वहाँ पे जब ज़्यादा ब्रेक होता है तो हम वहाँ पे मोर और मोस्ट लगाते हैं या लेस या लिस्ट लगाते हैं. सिंपल है. बाकी ज़्यादातर क्या होता है ईआर और ईएसटी ऐड होता है. और एक बात क्या याद है, हाँ इतना आसान नहीं है. मैंने बोला था ना आपको 2-3 ऐसे वर्ड है जो आपको याद करने पड़ेंगे. गुड बेटर बेस्ट और बैड वर्स वर्स्ट. ठीक है. और कुछ याद आ रहा है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो. और मुझे लगता है कि अब आपको काफ़ी आइडिया हो गया डिग्री ऑफ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ सुपरलेटिव. होप तुमने सारे लिस्ट देखी गाइस.
और इनके सेंटेंसेस बना लो और आपको 100% मार्क्स आ जाएंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में, आई एम श्योर. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ. मेरी वीडियो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बताती है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगी. बाय बाय.